जिस मौके पे उसे आपके सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां आप उनकी मर्जी पे अपनी मर्जी मुसल्लत कर रही हैं। मुझे अंदाजा है कि आप भी सोनिया के जाने से कितनी मुंतशर हैं, मगर अपनी अना की खातिर आप इस बात को तस्लीम थोड़ी करेंगी। आपकी ईगो जॉर्ट हो जाएगी। तुम कभी नहीं समझोगे आसिफ, कभी नहीं। पता नहीं कहां रह गई। देखो सॉरी पप्पू, देर हो गई। बेटा 3 दफा बुलावा है, बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। वो पप्पू ट्रैफिक बहुत था ना, इसलिए बहुत टाइम लगा। आप मुझे 2 मिनट दें, मैं बस तैयार होके आ जाती हूँ। लेकिन सोनिया तुम गई कहाँ थी, बता क्यों नहीं रही हो? मैंने इतनी दफा फोन किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया। वो फोन बैग में था ना, तो मैंने चेक ही नहीं किया। आप 2 मिनट दे बस, मैं तैयार होके आ रही हूँ। जल्दी बेटा, मैं देखता हूँ। सरा ने माफ नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। अरे यास्मीन तुम आ गई, मैं तो समझ रही थी तुम नहीं आओगी। अरे भाई नुदरत बुलाए और कोई ना आए, ये हो नहीं सकता ना, मार देती वो। बिल्कुल ठीक। क्या हाल? बिल्कुल ठीक। हेलो यास्मीन, हाउ आर यू? गुड, आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। आना ही था नुदरत, वरना क्या करती। माय डॉटर, मुबारक मुबारक, कांग्रेचुलेशंस बेटे। थैंक यू सो मच एंड आई एम सो ग्लैड यू आर हियर। थैंक यू, आई हैड टू बी हियर। तुम्हारी अम्मा देखा है ना कैसी हैं, जान से मार देती मुझे। आई विल नॉट कम। वेरी हैप्पी, बहुत। और इतने अरसे के बाद हम सब लोग एक जगह जमा हुए तो और ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। सोनिया, हां ये पप्पू ने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए थे। ओ सो नाइस ऑफ हिम, मैं चेंज करके आती हूं। क्या छुपा रही हो तुम? मैं आपसे कुछ छुपा सकती हूं? सारे जमाने से आपकी मोहब्बत छुपाई थी, उसके अलावा क्या रह जाता है मेरे पास छुपाने के लिए। तैयार हो के आ जाओ। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी यास्मीन, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुमने बताया भी नहीं, ना हमें बुलाया। अरे भाई, अगर इसकी बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से घर से भागकर शादी की है, उसने तो माँ बाप को भी नहीं बुलाया, फिर मैं और तुम कौन होते हैं? घर से भागकर शादी? एक्सक्यूज मी, मतलब अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है जो आप सब लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है उसने हरकत ही घटिया नहीं की, बल्कि उसकी तो पसंद भी बहुत घटिया है। यू नो, मामूली से बैंक का एक छोटा सा मुलाजिम है वो, और सिटी में छोटे से घर में रहता है। Now enough is enough, सुल्ताना। एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काम डन, पागल हो गई है यार। अच्छा, और वो जो तुमने मुझे और मेरे बेटे को मंगनी के नाम पे बेवकूफ बनाया था वो क्या? और बस इतना ही नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे घर में आके मेरे बेटे पे झूठे सच्चे इल्जाम लगाती है, और 2 लाख रुपया, यू नो 2 लाख रुपया एंट कर गई है वो। तुम्हारे घर आकर तुमसे 2 लाख रुपए लेके गई है? झूठ बोल रही है ना ये? हाँ हाँ, सीरियसली, अब तुम लोग भी ध्यान रखना इस बात का, कभी भी किसी के घर भी वो आ सकती है, क्योंकि उसका कंगला शौहर उसकी याशियां जो पूरी नहीं कर सकता। मतलब व्हाट्स रॉन्ग विद हर? एक लफ्ज़ तुमने और बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ओके, खबरदार यास्मीन, एक बार तो बेवकूफ बन चुकी हो तुम्हारे हाथों, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुल्ताना खामोश बेटा, आप घर पर आए, क्या हो रहा है? चलो चलो, सेल हर टू, जस्ट लीव ना।
रुद्रत या मैं चली जाती हूँ या ये चली जाए। No, please you sit. लेके चलो please. आ जाओ सुल्तान। यास्मीन please आ जाओ। Too much. उधर मत देखो, सब लोग तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। हम सब जीत आ जाएगा, स्माइल करो।